आपके साथ आयुषी शर्मा। आज तक 24 न्यूज में आपका स्वागत है। आइए रुक करते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। 15 मई को जिला अस्पताल में प्रसव के दौरान बामेदी निवासी प्रियापति गौरव जायसवाल की मौत हुई है और इस मौत को समाजजनों ने संदिग्ध मानते हुए जांच की मांग की है। मंगलवार को समाजजन कलेक्टर कार्यालय पहुंचे, यहां ज्ञापन सौंप कर मौत के लिए ड्यूटी डॉक्टर स्टाफ को जिम्मेदार ठहराया। समाज अध्यक्ष राजेश जायसवाल और रामेश्वर जायसवाल, मोहन जायसवाल, संतोष जायसवाल, संजय जायसवाल आदि ने बताया है कि प्रिया का पहला प्रसव था और प्रसव के 9 माह तक डॉक्टर महेंद्र वड़ोले से जांच कराई, उनके कहे अनुसार उपचार लिया। प्रसव के दौरान भी उन्होंने ही भर्ती करने को कहा था और खुद ऑपरेशन करने वाले थे, लेकिन फ़ोन लगाने के बाद भी नहीं आए। इसके बाद 15 मई को ड्यूटी डॉक्टर रानू रघुवंशी के कहने पर प्रिया खुद चलकर ओटी तक आई और महज 10 मिनट बाद डॉक्टर रघुवंशी घबरा कर बाहर आईं और परिजनों को कहा कि पता नहीं प्रिया के कैसे झटके मुंह से झाग और खून आ रहा है। समाजजनों ने आरोप लगाया कि गलत इंजेक्शन, एक्सपायर या लापरवाही पूर्वक इंजेक्शन लगाने से प्रिया की मौत हुई है। इस मामले में निष्पक्ष जांच कर लापरवाही बरतने वाले स्टाफ और चिकित्सकों पर कड़ी कार्रवाई की जाए, जिससे कि भविष्य में किसी और को अपना अमूल्य जीवन ना गंवाना पड़े। विधायक रवि जोशी ने मामले को लेकर बताया है कि शासन और जिला अस्पताल के खिलाफ रोड पर उतरकर आंदोलन करने की बात कही है। हम लोग जायसवाल सर्ववर्गीय महासभा मध्य प्रदेश के तत्वावधान में जिले की इकाई से सभी समाज बंधु यहाँ इकट्ठा हुए थे। आपको पता है कि बामंदी की श्रीमती प्रिया गौरव जायसवाल, वो यहाँ 9 महीने से डॉक्टर वड़ोले के यहाँ पर अपना ट्रीटमेंट करवा रही थी। फर्स्ट डिलीवरी थी उनकी। डॉक्टर वड़ोले ने 9 महीने तक ट्रीटमेंट किया, डिलीवरी से एक दिन पहले उनको एडमिट भी किया और डिलीवरी वाले दिन उनको अटेंड करने नहीं आए। अगर उनको उनका इलाज नहीं करना था तो एडमिट नहीं करना था। एडमिट करके और उनके साथ छल करा, उनका इलाज करने के नहीं आए, उसके कारण से उनकी अगले दिन मृत्यु हो गई। मृत्यु की वजह यह है कि जो कम अनुभवी डॉक्टर रानू उनको अटेंड कर रही थी, उन्होंने जो इंजेक्शन लगाया उसके तत्काल बाद 5 मिनट में मुँह से झाग आने और ब्लड आने से उनकी मृत्यु हो गई। क्या मांग कर रहे हैं? हम मांग ये कर रहे हैं, तो एक तो डॉक्टर वड़ोले, डॉक्टर रानू को सस्पेंड किया जाए, इन लोगों के खिलाफ आपराधिक प्रकरण बनाए जाएं। और खरगोन हॉस्पिटल में अक्सर ये देखने में आता है कि 9 महीने इलाज करने के बाद में इन वक्त पर उसका साथ छोड़ देते हैं, उसके कारण शासकीय अस्पताल की प्रतिष्ठा खराब हो रही है। तो प्रशासन इन पर शिकंजा कसे और ये सिर्फ प्राइवेट प्रैक्टिस के नाम पर सरकारी अस्पताल में नौकरी कर रहे हैं, तो ये या तो प्राइवेट प्रैक्टिस कर लें या सरकारी नौकरी कर लें। क्या नाम है आपका? राजेश जायसवाल, जिला अध्यक्ष सर्ववर्गीय जायसवाल महासभा। क्या कह रहे हैं? खरगोन के हमारे निमगुल गांव की बेटी और हमारी बेटी के साथ पिछले दिनों जिला चिकित्सालय में डिलीवरी के लिए आई थी। डॉक्टरों की लापरवाही की वजह से, डॉक्टरों की उदासीनता की वजह से, डॉक्टरों की उपस्थिति नहीं होने की वजह से हमारी बेटी नहीं रही। दुर्घटना बहुत बड़ी हुई है। मैं जिला प्रशासन से मांग करता हूं कि इस तरीके की पुनरावृत्ति नहीं होना चाहिए। हम अब किसी और बेटी को नहीं खोएंगे। अगर किसी बेटी के साथ और ऐसा हुआ तो हम पूरी ताकत के साथ आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। आंदोलन करेंगे जिला प्रशासन के खिलाफ, जिला अस्पताल प्रशासन के खिलाफ, और ऐसा अगर भविष्य में होता है तो पूरी ताकत के साथ हम सड़कों पर आकर ये लड़ाई लड़ेंगे।